अरवल जिले के किंजर थाने की पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपाचे बाइक सवार एक महिला के पास से 4 देसी कट्टा, एक मैगजीन, एक मोटरसाइकिल और 13,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। महिला अपने प्रेमी के साथ बाइक पर सवार होकर थैला में हथियार लेकर जा रही थी, तभी पुलिस ने शक होने के बाद उसका पीछा किया तो बाइक सवार दो लोग कोहरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वहीं महिला को पुलिस ने दबोच लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से हथियार बरामद हुए। फरार आरोपी रंजीत कुमार व उसके एक साथी राजधानी से लेकर अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और आरा सहित कई जिलों में प्रेमिका की आड़ में लगातार हथियार की सप्लाई करने के अलावे कई बैंक लूट कांड की घटना को अंजाम दे चुके हैं। मामले का खुलासा करते हुए SP मोहम्मद कासिम ने बताया कि युवती का फरार प्रेमी कुख्यात अपराधी है और इनके पिंजर थाना अध्यक्ष धनंजय जी का अपराध उन्मूलन में अन्य लोगों के साथ साथ इनका भी अधिक योगदान रहता है। इनके पुलिस अब निरीक्षक पूनम पवन कुमार दास हैं, वो गश्ती में थे और गश्ती के क्रम में ही एक मोटरसाइकिल आ रही थी जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी और दो लड़का था। इन लोगों को ये लगा कि शायद ये लड़की का अपहरण करके जा रहा है, तो उन्होंने रुकने का प्रयास किया। रुकने के बाद जो दोनों भागने लगा तो फिर कुहासा और अंधेरा का लाभ लेके ये लोग खदेड़े, लेकिन वो मिला नहीं लड़की वहाँ, क्योंकि महिला कांस्टेबल उसके साथ थी। लड़की को महिला कांस्टेबल अपने कब्जे में ले ली। जब इन लोगों ने फिर उस महिला कांस्टेबल के द्वारा चेक किया गया तो जो लड़की थी, तीन में से जो लड़की थी, उसके हाथ में एक झोला था उजला रंग का। उस झोले में 4 देसी कट्टा, एक पिस्टल का मैगजीन, 13,240 रुपया नकद, एक ब्लू रंग का अपाची गाड़ी जो छोड़ के अपराधी भागा वो बरामद हुआ, एक स्मार्टफोन वो लड़की के हाथ में था और बटन वाला मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस की गिरफ्त में आई आरोपी मुस्कान जब जहानाबाद के छोटे से गांव से पढ़ाई करने पटना गई थी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि जुर्म की दुनिया से उसका वास्ता होगा, लेकिन हालात ऐसे बने कि मुस्कान अब क्रिमिनल बन गई और अपने प्रेमी के साथ जुर्म की दुनिया की बादशाह बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया था। बिहार की लेडी डॉन के कारनामों का खुलासा करते हुए अलवर पुलिस ने बताया कि आरोपी रंजीत और उसका एक साथी मुस्कान के साथ राजधानी पटना से लेकर अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और आरा सहित कई जिलों में आसानी से हथियार तस्करी करता था। उसने हथियार तस्करी का नया तरीका अपनी प्रेमिका की आड़ में ईजाद किया था और इन जिलों में लगातार हथियार की सप्लाई करता था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।